नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आर अश्विन ने कहा है कि धोनी के सामने उन्हें साबित करना पड़ा था और उन्हें इम्प्रेस करना पड़ा था, चूंकि धोनी उन्हें जानते तक नहीं थे। क्रिक बच पर हर्षा भोगले के साथ एक चैट के दौरान अश्विन ने बताया कि जब वो टीम में पहली बार शामिल हुए थे तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था और उन्हें एमएस धोनी को इम्प्रेस करना पड़ा था। आर अश्विन कहते हैं कि धोनी नहीं जानते थे कि आर अश्विन कौन है। अब मुझे उनकी नज़र में आना था और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये मेरे लिए अच्छा मौका बन सकता था। आपको बता दें, शुरुआती दौर में आर अश्विन कभी एमएस धोनी के मुख्य हथियार हुआ करते थे। उनसे पारी का पहला ओवर तक आईपीएल में भी करवा चुके थे। वहीं आर अश्विन ने भी अपने कप्तान को कभी निराश नहीं किया। लोकल खिलाड़ी होने की वजह के साथ ही कई मैचों में टीम को जीत दिलाने वाले प्रदर्शन की वजह से आर अश्विन हमेशा सीएसके के हिस्सा रहे। इसके बाद अश्विन साल 2018 की आईपीएल नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जुड़े। पंजाब ने उन्हें 7.60 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा था। वहीं सीएसके ने अश्विन की जगह टीम में हरभजन सिंह को शामिल कर लिया था। पंजाब की टीम में 2 साल कप्तानी करने के बाद अश्विन को आईपीएल के 13वें सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अश्विन ने दिल्ली मूव करने की पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि शायद फ्रेंचाइजी के मालिक को लगा कि मैंने अच्छी तरह से काम नहीं किया और दोनों सीजन में मैं पंजाब को प्लेऑफ तक नहीं पहुँचा पाया। आप इसके लिए कुछ भी बहाना कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं और ये स्वीकार करता हूं कि किंग्स इलेवन पंजाब के साथ रहते हुए मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।